देखो पुत्रों, कितने महान और कितने भोले हैं मेरे प्रभु। भगवान होकर भी अपने ही भक्त की स्तुति गान कर रहे हैं प्रभु। किंतु मेरी तो मात्र एक ही इच्छा है। जीवन भर प्रभु के चरणों में रहने का सौभाग्य मिले बस। प्रभु, यदि आप पुनः अपने इस भक्त को कुछ देने के इच्छुक ही हैं तो आप मुझे बस इतना ही दे दीजिए कि अपने संपूर्ण परिवार को अयोध्या ले चलिए। माता के साथ वहां लवकुश के आने पर अयोध्या नगरी भी तृप्त हो जाएगी प्रभु। हनुमान उचित कह रहे हैं प्रिय, समय आ गया है हम सभी के लौट चलने का। प्रभु, जब अग्नि परीक्षा देने के बाद प्रजा ने मुझ पर अविश्वास किया तो फिर मैं कैसे लौटूं अयोध्या? ऐसा ना कहो सीते, संपूर्ण जगत को ज्ञात है कि पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति हैं आप, और प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए था हम कर चुके। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने किया, किंतु दूसरों के मन की भावना कौन जान सकता है। माता कहना क्या चाह रही हैं? अयोध्या नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे माता? मैं नहीं चाहती कि पुनः आपको उसी स्थिति का सामना करना पड़े, पुनः आपका राजधन या आपकी मर्यादा हमारे मध्य आए, पुनः ना तो वनवास ना ही अग्नि परीक्षा मैं सहन कर पाऊंगी और ना ही आप। माता क्या कहने की चेष्टा कर रही हैं? क्या है उनके हृदय में? इसलिए इस बार जो मैं करने वाली उसके बाद इस संपूर्ण जगत में मेरी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। भूमि जाऊं, भूमि माँ की कोख से ही जन्म हुआ था मेरा, और अब मैं पुनः उन्हीं के गोद में समा जाऊंगी। नहीं सीते, अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे त्याग ने, आपके वनवास ने सभी के मन में यह अटूट विश्वास जागृत कर दिया होगा कि आपके समान पवित्र और पतिव्रता इस संसार में और कोई नहीं प्रिय, और कोई नहीं। आपकी मर्यादा के लिए जो करना चाहिए था हमने किया, किंतु अब मेरी मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए ये अनिवार्य है। मैं तो बस आपके पुत्रों को आपको सौंपना चाहती थी, इसलिए मैंने माता ललिता देवी की पूजा की, और देवी माता की कृपा से आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी मैंने कामना की थी। तो फिर इस मिलन को पुनः विरह मत बनाओ प्रिय, पुनः विरह मत बनाओ। मेरे साथ अयोध्या लौट चलो सीधे, लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। नहीं स्वामी, इस संसार में मेरे सारे कर्तव्य पूर्ण हुए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सीते? अभी तो आपको मेरी पत्नी, लवकुश की माता और अयोध्या की रानी होने के नाते अनेकों कर्तव्य निभाने।
ये सभी कर्तव्य मैं भली भांति निभा चुकी हूँ स्वामी। मुझे अपने जीवन से अब कोई असंतोष नहीं है। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंप कर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। मुझे अनुमति दीजिए स्वामी। नहीं सीते, मैं आपको ये अनुमति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं आपको ये अनुमति। मुझे जाने दीजिए स्वामी, मेरी इच्छा तो पूर्ण होने दीजिए। और मेरी इच्छा प्रिय, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना? बताइए कैसे जीऊंगा आपके बिना? आपके कर्तव्य आपको सब सिखा देंगे स्वामी। आपके ईश्वर, आपके धर्म के निर्वाहन के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आशीष देकर अपनी स्वीकृति प्रकट कीजिए। माता, नहीं माता, ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ के मत जाइए। माता, तेरे पुत्र, अपनी माँ को जाने दो। यदि तुम अपनी माँ का सम्मान करते हो, चाहते हो कि सर्वकाल सर्व जगत में कोई तुम्हारी माँ पर आक्षेप ना लगाए, सर्व जगत में तुम्हारी माँ की मर्यादा स्थापित हो, तो अपनी पुत्र को, अपनी माँ को जाने ही। अब से तुम्हारे पिता, तुम्हारे काका, भ्राता एवं पुत्र हनुमान तुम्हारा सदा ध्यान रखेंगे, उनका सदा आदर करना पुत्र। माता, इस प्रकार अपनी छत्र छाया से हमें यूं वंचित न कीजिए। हमें छोड़कर मत जाइए माते। इतने दिनों के बाद तो आपके स्नेह की छाया प्राप्त करने का अवसर मिला था। हाँ माता, आप मत जाइए। मुझे याद है, मेरे इस निर्णय से आप सभी को कष्ट हुआ है, किंतु यदि आप अपने प्रभु श्री राम के समान ही मेरा सम्मान करते हैं, तो जिस प्रकार मेरे वनवास के समय आपने उनकी बात नहीं डाली थी, उसी प्रकार आज आप सब मेरी बात भी नहीं डालेंगे।
तुझे कदापि नहीं रोकेंगी। लक्ष्मण भैया, अब मुझे मत रोकिए। जिस प्रकार आपने मेरा ध्यान रखा, उसी प्रकार मेरे पुत्र लव कुश का ध्यान रखिएगा। माते, 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 माते। पुत्र हनुमान, माते, यह आवश्यक है, अनिवार्य है। जिस प्रकार तुमने प्रभु श्री राम की सभी आज्ञा का पालन किया है, उसी प्रकार आज तुम मेरी आज्ञा का भी पालन करोगे। और मेरी आज्ञा है पुत्र, कि आज तुम मुझे रोकने का प्रयास नहीं करोगे। मेरे पुत्र लव कुश का सदा ध्यान रखोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे। हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी देवी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि यदि मैं अपने तन मन बुद्धि और विचार से सदा अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठावान रही, तो आप मुझे अपने गोद में लेकर अपने साथ ले जाइए। नहीं माता। माता, इस संपूर्ण संसार के समक्ष ये पुनः प्रमाणित हो जाने दीजिए कि आपकी पुत्री अपने पतिव्रत धर्म का यथायथ पालन किया है, जिससे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। हे माता, मुझे अपने साथ ले जाकर आज ये प्रमाणित हो जाने दीजिए यही है मेरी अंतिम परीक्षा माता, और इसे आप सफल कीजिए। माता, आइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। भूमि से उत्पन्न हुई ये भूमिजा आज आपके साथ समाहित होने के लिए प्रस्तुत है। अकेला छोड़कर मत जाओ सीते, मत जाओ।
आपके इस द्रवित स्वर से मुझे रोक दीजिए, मेरा जाना कठिन हो जाएगा। किंतु स्वामी, मर्यादा ही तो हमारे लिए सर्वोपरि है, और मेरी मर्यादा के लिए तो ये अनिवार्य है। इसलिए आज अंतिम बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे शांत और आश्वस्त मन से जाने दीजिए, प्रसन्न होकर मुझे विदा कीजिए। स्वामी, मुझे वचन दीजिए, मेरे लव कुश को अयोध्या के राजभवन में प्रसन्नता का वातावरण प्राप्त हो। अब और मुझे मत रोकिए, मत रोकिए मुझे स्वामी। रुक जाइए माता, रुक जाइए माता, मत जाइए माता। आप अपने पुत्रों की गुहार सुन लीजिए माता, आप मत जाइए, आप रुक जाइए। पुत्र हनुमान, ना मैं, ना मेरे प्रभु, ना मेरे पुत्र, ना मेरे देवर सदा यहाँ रहेंगे। किंतु पुत्र हनुमान, तुम सदा यही रहोगे। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, निर्मल हृदय वाले हनुमान, दूसरों के कष्ट भरने वाले, मानवता के उत्थान करने में सदा तत्पर, तुम अनंत काल तक यही रहोगे। पुत्र, सबका ध्यान रखना। लव कुश रोकी रामा, किंतु सिया कछु और था ठाना। हनुमत चाहे गुहार वैदेही, किंतु समीप पहुँच कर ठिठकी। भू माता और चली श्री सीता, राघव लोचन अश्रु पूरिता। अश्रुधरा संपर्क जो आए, सुंदर सुमन सब जग मुरझाए। सिया राम जय हनुमान। भूसुता और बढ़े श्री राम, हनुमत दो किशोर को धाम। धरती पुत्री धरा मह समाये, सब हूँ विवश लव कुश रघुराये। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। इन्हीं संघर्षों के बीच कभी कभी मनुष्य को कठिनतम परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।